आज हम बात करने वाले हैं महासंकट और क्लेश एवं अंतिम दिनों के और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय का 6 वचन में स्पष्ट कहा है कि जब उनका आगमन होगा तब उससे पहले बीमारियां और महामारियां आएंगी, अकाल होंगे, भूकंप आएंगी और इनके साथ साथ जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। अर्थात एक जाति के लोग दूसरे जाति वालों से और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म वालों से और एक देश दूसरे देश से टकराएंगे और यह अंतिम दिनों में होगा। अब समझने वाली, गौर करने वाली या ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, यह कैसे जाने, यह कैसे पता करें कि यही अंतिम दिन है। इसे समझने के लिए दूसरा पत्रस का 3:8 वचन को हम समझते हैं, जहां पर लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर है और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर है। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु का टाइम टेबल यहाँ के अर्थ के टाइम टेबल से अलग है। हमारा धरती पर का और हमारा जो धरती पर का अगर 1,000 वर्ष बीतेगा तब उनका एक दिन पूरा होगा। हमारे धरती में 1,000 साल जब बीतेगा तब वहाँ का एक दिन पूरा होगा। इस तरह समझते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, भांति भांति के जितने जीव जंतु, पशु पक्षी और जलचर हैं सब को बनाया, जो उत्पत्ति 2 अध्याय में वर्णन है। यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वां दिन को आशीष दी, 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के सारे काम को पूरा किया और विश्राम लिया। अब यह 7वां दिन फिर से घूमेगा। यह गौर करने वाली बात है कि वह परमेश्वर ने 6वें दिन में सब चीज़ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और फिर से वह दिन घूम रहा है, फिर से वह दिन चल रहा है। अर्थात जिस तरह एक सप्ताह होते हैं, उसके बाद फिर से सप्ताह बदल जाता है, घूम जाता है, फिर से सप्ताह बनकर आता है 7वां दिनों में 7वां दिन के लिए और फिर से वही सप्ताह घूमते रहता है। ऐसे समझे तो परमेश्वर का विश्राम दिन अब तक नहीं आया। जिस तरह से हफ्ताएं और सप्ताहें घूमती रहती हैं फिर से वही दिन चालू होता है, उसी तरीके से परमेश्वर का दिन भी चालू हो रहा है। अगर इसे विस्तार से समझे तो अभी तक परम विश्राम का दिन अब तक नहीं आया। अगर आ गया होता तो भजन संहिता 95:11 में ये नहीं लिखा होता, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे, जो इसराइलियों के विषय में कहा जा रहा है। जो प्रभु यहोवा है इसराइलियों के कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने और बहुत सारी बातों की वजह से उसको कहा जा रहा है, जो मार्ग में परमेश्वर को क्रोध दिलाया था उसके विषय में कहा रहा है। अब जब महाविश्राम का दिन बचा हुआ है, जो इब्रानियों 4:4 में समझाया गया है, तब तो हमें हमारे धरती के टाइम टेबल को कैलकुलेट करना होगा, हमारे धरती के समय को समझना पड़ेगा और जब से आदम बनी है तब से अब तक के समय को समझना पड़ेगा। जैसा कि हमने प्रभु के अनुग्रह चैनल ने कैलकुलेट किया कि आदम से लेकर मूसा तक 2000 साल पूरे हो गए और मूसा से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक 2000 साल पूरे हुए और यीशु मसीह के जन्म से लेकर अब तक 2023 साल पूरे हुए हैं।
अर्थात 6000 साल हो गए। आदम से लेकर हमारे समय तक 6000 साल हो चुके हैं, जो कि परमेश्वर के समय सारणी के अनुसार केवल 6 दिन हैं। परमेश्वर के समय के अनुसार 6 दिन हैं, 6 दिन हुए और सातवां दिन विश्राम का दिन है, अर्थात 7000 साल में हम जी रहे हैं। 7000 साल में हम जी रहे, 6000 साल पूरा हो चुका है और 23 साल भी हो चुके हैं। 6023 साल हो गया, जिसका मतलब है समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ और 23 साल आगे बढ़ चुका है, 23 साल हो गए हैं। अब हम रियल में अंतिम दिनों में जी रहे हैं, इसलिए सारे संकेत पूरे हो रहे हैं। चाहे कोरोना महामारी हो या और कई प्रकार के फ्लू हो या कई प्रकार के और बीमारी हो, या रूस और यूक्रेन युद्ध हो, या सबसे बड़ी इजराइल और हमास जो अभी चल रही है वह युद्ध हो, जिसमें 2 से 3 धर्म आपस में टकराएंगे। मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन आपस में भिड़ रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व को विश्व युद्ध के लिए खींच डालेंगे और सारे देश बट जाएगा, कौन किसका साथ दे इस तरीके से। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम की महिलाओं से मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए रोओ। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे तो वहां की कई स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने से रो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस को उठाते हुए वक्त कहा उन स्त्रियों से जो रो रही थी, उससे कहा कि तुम मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि जब वह घड़ी आएगा तब हाय उस स्त्री पर जो दूध पियाऊ है, जो नवजात बच्चों को जन्म दिए हैं, जो बच्चे दूध पियाऊ है, हाय ऐसी स्त्रियों पर जो भाग भी नहीं सकती। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उसे श्राप दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो तरस की भावनाओं को बता रहा है कि हाँ ऐसे दुख की घड़ी होंगी कि जब स्त्री के बच्चे को छीन लिया जाएगा और किडनैप कर लिया जाएगा और बंधक बनाया जाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा था और यही घटना आज इसराइल में हो रहा है। इसराइल के कई बच्चों को, जो दूध पियाऊ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन लोगों को आतंकियों के द्वारा बंधक बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है और कब्जे में किए जा रहे हैं और उसके सर को धड़ से अलग किए जा रहे हैं और नाना प्रकार के सताए जा रहे हैं। वही चीज़ों को पूरा तरीका से कहा जा रहा, जो न्यूज़ देखते हैं वो जानते हैं कि ये सब घटनाएँ घट रही हैं। अपने जरूर गौर किया होगा कि हमास के आतंकियों ने बच्चों को बंदी बनाया है, इसलिए यह जान रखो यही सातवां दिन है। अपने को तैयार रखो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि रेवलेशन 1:8 वचन में कहा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जब वह जो जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मेरे क्लेश, वह यह कहता है कि तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, धर्मी कहते हैं, पवित्र कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, बंधक बनाकर जेल खाने में डालने पर हैं। आज भले ही हम लोगों को बंधक उतना नहीं बनाया जा रहा, केवल सताया जा रहा है, लेकिन विदेशों में जहां और भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, उन लोगों को बंधक बनाया जा रहा है और 10 दिन तक परखा जा रहा है, मृत्यु के हद तक परखा जा रहा है, ताकि वचन में लिखा तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह कह रहा है और कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। निश्चय आपने ध्यान से समझा होगा कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अंतिम समय हो चुका है, 6 दिन पूरा हो चुके हैं, हम 7वें दिन में जी रहे हैं और 7वें दिन के 23 साल भी पूरे हो चुके हैं, हम अंतिम दिनों में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे जितने विश्वासी भाई
भाई हैं, बहनों हैं, मैं उन सभी को कहता हूँ कि अपने जीवन को जांचे परखे और अपने आप को गर्म कर ले, अपने आप कुप्पी में तेल को भर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू या तो गर्म हो या तो ठंडा हो जा, तू गुनगुना ना रहे वरना मैं अपने मुँह से उगल दूंगा करके। इसलिए अगर निश्चय आप लोगों ने समझे होंगे तो प्रभु का अनुग्रह आप सभी को तैयार करे, आप सभी तैयार हो और खासकर परमेश्वर इज़राइल की सहायता करे और हम विश्वासियों के साथ खड़ा रहे। आमीन।